भैया आगे तो दिया यही करेगा आज एक्टिवा पे सवार दो युवक यहाँ से गुजर रहे थे, अचानक इस पर विस्फोट हुआ है जिससे दो लोगों की मृत्यु हो गई और एक व्यक्ति और घायल हो गया। और जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन पूरा यहाँ पर मौजूद है, पुलिस के समस्त उच्च स्तरीय अधिकारी मौजूद हैं और इसके अलावा जो भी जांचें की जाती हैं बारूद या विस्फोटक के संबंध में वो सब भी कराया जा रहा है। हम लोग लगातार सतर्क दृष्टि रखे हुए हैं और इस घटना की जो हुई है इसके संबंध में भी कार्रवाई की जाएगी। जैसा हमें संज्ञान में है कि जिला प्रशासन को आगरा पुलिस ने पहले ही पत्र लिखा था, गोरा में बड़े पैमाने पर विस्फोट सामग्री बनती है, उसके बाद में जिला प्रशासन ने अपनी दुकान भी खोली। गोरा में लगातार जांच चल रही है, कई वहां से पकड़े भी गए हैं हमारे मजिस्ट्रेट वगैरह, उन्होंने जांच भी की है। लगातार हम लोग नजर रखे हुए हैं और इसके अलावा और चौकसी और बढ़ा दी जाएगी। कान भी बढ़ते बैठे हुए हैं, मेरे सुनाई नहीं पड़ रही है, तुम क्या कह रहे हो? दो लोगों के मरना हो सकता है, एक घायल होता है। अब इसकी जांच कराई जाएगी, पता लगेगा। दो बॉडी देखी थी यहाँ पर, तो एक बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी, जो भी दस निवासी रहे उन लोगों के माध्यम से पता चला कि जैसे बम फटा दादी के माध्यम से एक बॉडी वहाँ पर जाके गिरी। ये बात सही है और ये यही जांच का विषय है कि इसके पास इतने सारे पटाखे कहाँ से आए, कहाँ से बंदूरी है, उनके नाम पता वगैरह ज्ञात हो गए हैं, तो इसकी भी जाँच कराई जाएगी। किस जगह से लोग लाए हैं, घर परिवार वालों से आया था, स्कूटर से, काफी तेज माध्यम थी आवाज के। हम लोगों की तरफ से होती है जो लाइसेंस होता है और उनको लिमिट वगैरह है। अभी इस पे